नाज़रीन आदाब सलामुन अलैकुम। सोशल मीडिया पे काफ़ी समय से एक इल्ज़ाम एक सवाल अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मुतालिक उठाया जा रहा है, क्या वह अखबारी थे। हमारे साथ इसका जवाब देने के लिए मौजूद हैं लखनऊ से सैयद अली अब्बास तबातबाही साहब। नाज़रीन सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु या अली मदद। अभी हमारे बिरादर मोहतरम कायम अब्बास साहब राज सलम हो ये सवाल कर रहे थे कि अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी के सिलसिले में एक इल्ज़ाम है कि वो अखबारी थे और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी मशहूर भी किया गया। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, लेकिन इत्तफाक़ से मैंने तकरीबन साल भर पहले मोबाइल के ज़रिए से मेरी बात हो रही थी उनसे, तो यही सवाल मैंने उनसे किया था कि अल्लामा साहब ये बताइए आपको लोग अखबारी कहते हैं, ये कहाँ तक सही है। तो अजीज़ों, जो मुझसे उन्होंने गुफ्तगू की थी, मैं उसी गुफ्तगू को आपके सामने नकल कर रहा हूँ। अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर साहब ने मुझसे कहा जी कि भाई, मैंने जब होश संभाला और सिने बलूगियत को पहुँचा तो उस वक्त आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अबुल मोहसिन हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैहि मकामहु नजफ़ अशरफ में बहैसियत मर्जे के थे और लोग उनकी तकलीद कर रहे थे और अरब अजम में भी उनकी तकलीद हो रही थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के मुकल्लदीन की अक्सरियत थी जी। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आयतुल्लाह जब मैंने बालिग हुआ तो मैंने सबसे पहले आयतुल्लाह मोहसिन हकीम की तकलीद की। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के इंतकाल के बाद उन्होंने फरमाया कि मैंने आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम अलखुई साहब की तकलीद की और आज भी मैं उनकी तकलीद पर बाकी हूँ। अब ये जवाब खुद इस बात का जवाब था कि मैं अखबारी नहीं हूँ, मैं मुकल्लिद हूँ। और आयतुल्लाह खुई ने डॉक्टर ज़मीर अख्तर को ख़त भी लिखा, वो कहते मेरे पास वो ख़त भी मौजूद है जो आयतुल्लाह खुई ने मुझे लिखा था। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा और इस सिलसिले में उनसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा और वो उस ख़त की भी ज़्यारत करूंगा जो आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम अलखुई ने नजफ़ अशरफ से अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर साहब को लिखा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया और मैं उनसे दोबारा फिर मुलाकात से महरूम रहा और नहीं जा सका। सद अफसोस। मौलाना साहब, एक चीज़ और कि ये अखबारियत क्या है? भाई, ये तो आपने सवाल जो किया ये बड़ा अहम सवाल है जी। जितना छोटा सवाल है इतना छोटा जवाब तो नामुमकिन है जी, जी, जी। ये तो मौलाए कायनात थे जिनकी खसूसी सिफत थी कि जब उनसे कोई सवाल करता था जैसा सवाल करता था वैसा वो जवाब दे देते थे, मुख्तसर से मुख्तसर जवाब दे देते थे। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है और इस वक्त हालात हाजरा का एक मौजू बन गया है अखबारियत। अखबारियत जी, इस वक्त जो बाज़ हजरात बाज़ लोगों को अखबारियत का तमगा पेश करते हैं, थप्पा लगाते हैं, अखबारियत की मोहर लगाते हैं, ये तौहीन है लफ्ज़ अखबारियत के लिए। इसलिए कि जिन लोगों को आज के दौर में अखबारी कहा जा रहा है जी, हकीकत में इनसे अखबारियत का कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है जी। अगर कोई विलायत अली के तबलीग को अखबारियत समझता है तो जाहिर है कि ये मौजू एक अलग है, विलायत अली का मौजू, और ये एक अहम मौजू है जो कुरान का मौजू है, हदीस का मौजू है, पैगंबर की सीरत का मौजू है विलायत अली, ये एक अलग मौजू है। तो अगर कोई विलायत की तबलीग कर रहा है तो विलायत की तबलीग से उसका ताल्लुक अखबारियत से नहीं है। तो आज एक बदनुमा दाग की हैसियत से अखबारियत की मोहर लगा कर ठप्पा लगाया जा रहा है, ये जहालत है उन लोगों की जो किसी को अखबारी कह देते हैं। हम जैसे छोटे मोटे ज़ाकरीन को या अल्लामा ज़मीर अख्तर को
बदनाम करने के लिए लफ्ज़ अखबारियत का टप्पा लगाया गया। ऐसा नहीं, मैं भी जवाब दे चुका कि अल्लामा ने खुद इस बात का इकरार किया कि मैं मुकल्लिद हूँ, अखबारी नहीं हूँ। अब रहा यह कि अखबारियत क्या है, ये बड़ा अहम मौजू है। हकीकत का इसका मसला यह है कि लफ्ज़ अखबार जो है ये खबर की जमा है, खबर जी, खबर हदीस जी, हदीस मासूम जी, पैगंबर ने जो अहादीस इरशाद फरमाई है उसको खबर कहा जाता है जी, और उनकी अहादीस का जो मजमूआ है वही अखबार है जी। पैगंबर के बाद जो अक़वाल आइम्मा है, अहादीस आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम है जी, ये सब अखबार है। इसके ऊपर बड़े बड़े उलमा ने काम किया जी, मुहद्दिसीन गुजरे हैं जिन्होंने अहादीस रसूल को जमा किया, अहादीस आइम्मा को जमा किया, और वो अपने दौर के अखबारी थे जी। शेख याकूब कुलैनी अलैहि रहमा, जिनकी सबसे पहली किताब कुतुब अरबा में है, उसूल काफ़ी, फ़ुरू काफ़ी, रोज़ काफ़ी। उसके बाद शेख सदूक अलैहि रहमा, जिनकी मन लाइज़ुल फ़कीह है, कमालुद्दीन व तमामुन नेमा है, और दीगर किताबें उनकी हैं शेख सदूक अलैहि रहमा की, और उनकी किताब भी कुतुब अरबा में शुमार की जाती है। इसके बाद शेख तूसी अलैहि रहमा है, उनकी किताब इस्तफ़सार है, तहज़ीब है। तो हमारे यहाँ शिया मज़हब में जो कुतुब अरबा हैं ये अहादीस का मजमूआ है। इसके बाद बाद के बड़े बड़े जैद उलमा ने इससे ज़्यादा ज़खीम किताबें तहरीर की अहादीस की, जैसे शेख हुर्रे आमली हैं, इन्होंने वसाइलु शिया तकरीबन 20 जिल्दें लिखी हैं, और ये अखबारी कहलाते थे। तो कदीमी ज़माने में अखबारी उन उलमा को कहा जाता था जो मासूमीन की अहादीस को जमा करते थे, उस पर ख़ुद भी अमल करते थे, और मासूम के कलाम को लोगों तक पहुंचाते थे और लोग उस पर अमल करते थे। तो लिहाजा उस ज़माने में अखबारी बड़े बड़े जैद उलमा को कहा गया है। और मैं यहाँ पर एक जुमला और नाज़रीन के सामने पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप लफ्ज़ अखबारी को इस्तेमाल करें तो कोई मर्जा बग़ैर अखबारियत के मर्जा बने ही नहीं सकता है। कोई मुफस्सिर कुरान बग़ैर अखबारी के मुफस्सिर कुरान बन ही नहीं सकता है, इसलिए कि जब तक मराज़-ए-इकराम या मुहद्दिसीन या मसलन मुफस्सरीन अहादीस रसूल अहादीस मासूमीन को नहीं लेंगे, उस वक्त तक के ना इज्तिहाद कर सकते हैं, ना इस्तनबात कर सकते हैं, ना तफसीर कुरान कर सकते हैं, ना शरीयत के तफसीली अहकाम को बयान कर सकते हैं। ये कुरान के बाद सबसे बड़ा ज़खीरा जो है वो अहादीस रसूल अहादीस अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम का है, और अहादीस अइम्मे मासूमीन को बयान करने वाला मानने वाला ही अखबारी कहलाता है। आखिरीन अखबारी नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको मुख्तसर जवाब दे दिया, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा मौजू है अखबारियत का और उसूलियत का, और उलमा ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, दलाइल दिए हैं। हमारे सामने बाखरु सदर की किताब है जिसमें उन्होंने इसका तस्करा किया है, और दीगर उलमा ने किया है, और मकाले लिखे जा रहे हैं। और लेकिन जो आज लफ्ज़ अखबारी इस्तेमाल किया जा रहा है ये ज़ाकिरीन की तौहीन, और जो विलायत अली की तबलीग करते हैं उनकी तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लफ्ज़ मायूब आजकल के दौर में समझा जाता है, फुला अखबारी, लेकिन ये अखबारियत की भी तौहीन है और उसकी भी तौहीन की जाती है। लेकिन जहाँ तक अल्लामा का ताल्लुक है, मुझको खुद किसी ने बयान नहीं किया, इसमें कोई रावी नहीं है, डायरेक्ट अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी ने मुझसे खुद कहा कि मैंने जब होश संभाला तो आयतुल्लाह मौसूल हकीम की तकलीद की, जब तक वो हयात रहे आयतुल्लाह मौसूल हकीम के बाद आयतुल्लाह खोई की तकलीद की, और वो आखिरी दौर तक अपनी हयात के आखिरी लम्हात तक आयतुल्लाह खोई की तकलीद पर बाकी थे, लिहाजा उनको अखबारी नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो इस्कॉलर थे, वो डॉक्टर थे, वो मुहक्किक थे, उन्होंने तहकीक की है, अदबी मैदान में तहकीक की है,
और जो इल्मी मैदान है उसमें तहकीक भी है, ये तो आने वाला दौर ख़ुद बताएगा कि जो उनकी किताबें हमारे सामने आई हैं, चाहे वो सीरत की किताबें हों, चाहे वो हदीस की किताबें हों, चाहे वो तारीख़ की किताबें हों, ये सब उनके जो मजमू हैं कि किताबें हमारे सामने आई, ये ख़ुद इस बात की बताएंगे कि वो एक मुहक्किक थे, एक डॉक्टर थे और रोशन फिक्र इंसान थे और नौजवानों को वो गोया यूँ कहा जाए कि नौजवानों के लिए वो रोशन चिराग थे। बेशक बेशक, एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है और मैंने उनके दर्स सुने हैं पाकिस्तान में कराची में, वो चारदा मासूमी में शोधाए करबला में माह रमज़ान में पहली रमज़ान से लेकर 28 रमज़ान तक दर्स कुरान तफसीर कुरान का भी दर्स देते थे और उसके अलावा जो उनकी मजलिसें हैं वो सब। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और मुझे करना नहीं चाहिए, मैंने लखनऊ में देखा कि कुछ टाइम पहले तक के लोगों ने आपको भी अखबारी कहा कि अली अब्बास साहब भी अखबारी हो गए, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? भाई ज़ाहिर है कि अब आप कह देंगे ये अखबारी हैं जी जी, तो अब ज़ाहिर आपके कहने से ना कोई अखबारी होगा, ये आप सनद दे रहे हैं तो आपकी सनद कोई सनद नहीं होती है, ये तो एक बोहतान होता है जी जी। मैं खुद अलल ऐलान इस बात की ऐलान करता हूँ और मैंने तहरीरों में भी इस बात का जिक्र किया है अपनी, मैं सालाना एक मैगज़ीन निकालता हूँ इमामी जंदरी, उसमें मेरे कई मज़ामीन आए हैं और इस सिलसिले में मैंने तज़किरा भी किया है। मैं जब बालिग हुआ हूँ तो मैंने भी सबसे पहले आयतुल्ला सैयद अबुल कासिम अलखुई की तख़लीक़ की है और उनकी तख़लीक़ पर आज भी मैं बाकी हूँ। जो नए मसाइल पैदा होते हैं उसमें मैंने अभी मौजूदा जो मर्जा तख़लीक़ है सैयद अली सिस्तानी, ये सब नजफ़ अशरफ में अल्लाह उनको तौले उम्र अता करे, मैं उनकी तकलीद में हूँ, आयतुल्ला खुई साहब की तकलीद पर बाकी हूँ और जदीद फिक्री जदीद मसाइल में मैंने आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी साहब की तकलीद की है। और ज़ाहिर है कि मेरा तो ये अमल जो है वो तमाम अहले लखनऊ पर वाज़े है, अखबारी उसे कहते हैं जो तकलीद का मुनकिर हो जाए। ये मस्जिद आसफी इस बात का गवाह है कि सैयद मौलाना सैयद कलबे आबी साहब क़िबला आला मकामहू के ज़माने से मैंने यहाँ पर बुनियाद डाली मसाइल बयान करने की। मस्जिद आसफी में नमाज जुमा से पहले तकरीबन 31 साल तक मैं इस खदमत को अंजाम देता रहा, तो जो फ़िक़ी मसाइल बयान कर रहा हो आयतुल्ला खुई साहब के मसाइल, उसके बाद दीगर मराजे के मसाइल, इस वक्त आयतुल्ला सिस्तानी साहब के मसाइल, नायबर मौज़म के मसाइल, तो जो मसाइल बयान कर रहा हो तो वो अखबारी कहाँ से हो जाएगा भाई? मैं तो खुद ऐलान कर रहा हूँ कि मैं मुखल्लिद हूँ, मैं अखबारी आज के दौर का अखबारी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि अहादीस मासूमीन, तो इसको तो हर मोमिन मानेगा, हर आलिम मानेगा, उसके बगैर तो हम जबान ही नहीं खोल सकते, अमल ही नहीं कर सकते। वो अखबारियत और है जो इल्मी अखबार है, अहादीस रसूल अहादीस आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को मानना ये कोई अखबारियत नहीं होती है भाई, ये क्योंकि हमारे मराजे हैं, उलमा हैं, ये अपनी ज़िंदगियाँ इन्होंने सर्व कर दी इल्म हासिल करने में और आज कुरान और अहादीस के ज़रिए से ये इस्तेनबात करते हैं, मसाइल पेश करते हैं, लिहाजा हम इनकी तरफ रुजू करते हैं और अपने शरई मसाइल इनसे हासिल करते हैं। लेकिन अगर कोई मसला है और हम उस खुद तहकीक करना चाहते हैं तो तहकीक का दरवाज़ा बंद नहीं है, हम शरीयत ने इजाज़त दी कि आप तहकीक करिए और किसी नतीजे पर पहुंचिए, किसी को आप तहकीक से मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक के फिकी मसाइल हैं तो उसमें हम जो हमारे बड़े बड़े उलमा फुकहा हैं हम उसकी तरफ रुजू करते हैं और फिर उलमा की तरफ रुजू करना ये तो नस से मासूम है। हमारे 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने जो उनकी तौखी मुबारक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर हुई है, जो इकमालुद्दीन व इतमामुन्नेमा में मौजूद है, जो एहतजाज तबरसी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की रिवायत है, जो तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से ली हुई है, हम इमाम के बताए हुए जो फुकहा हैं उनको मानते हैं, उनकी तकलीद भी करते हैं, उनसे मसाइल भी लेते हैं, क्योंकि ये हुक्म हमें हमारे आइम्मा ने दिया है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने दिया है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पितर बुजुर्गवार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने दिया है, तो कौन है कि जो आइम्मा की मुखालफत करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया।